भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष एसएन गिलानी ने सोलन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए 11 योजनाएं चलाई, जिसमें से करीबन 4700 करोड़ रुपए का बजट खर्चा गया। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलवाई। ये अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। यही वजह है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी ही केंद्र में सरकार बनाएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष एसएन गिलानी ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि वे पिछले कई दशकों से भाजपा के साथ जुड़े हैं और भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे तो कार्यकर्ताओं को पूर्ण सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। हम तो एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और माइनॉरिटी को लेकर हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं और हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना और माइनॉरिटी के लिए काम करना। जब आज तक भी हमने किया है और करते आए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारा काम है माइनॉरिटी को जोड़ना, माइनॉरिटी को मजबूत करना और मैं यही कहता हूं कि चाहे वो देश की माइनॉरिटी हो, चाहे वो प्रदेश की माइनॉरिटी हो, प्रदेश माइनॉरिटी का भला भारतीय जनता पार्टी में है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने को जा रहे हैं। सोलन में 13 मई को चुनावों से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली ठोडो मैदान में आयोजित की जाएगी। भाजपा का दावा है कि इस रैली में करीब 1,00,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी सोलन में डेरा डाल दिया है। सोलन में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है और हर छोटी बड़ी हरकत पर पुलिस नजर रखे हुए है। निजी स्कूलों ने भी रैली वाले दिन छुट्टी घोषित कर दी है। अस्पताल में चिकित्सकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री की सोलन में ये तीसरी रैली है। उन्होंने बताया कि जब जब नरेंद्र मोदी सोलन आए हैं तो भाजपा अवश्य जीती है और उनके आने से राजीव बिंदल और वीरेंद्र कश्यप ने जीत हासिल की थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी उनके आने से जीत की लहर उठेगी और सुरेश कश्यप भी विजयी होंगे। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं और साथ में ही हमारे माननीय मोदी जी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी और राष्ट्र हित में जो अभी तक पिछले पाँच साल में काम हुआ है वही विकास का कार्य, वही राष्ट्र के लिए दोबारा से मोदी सरकार काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। साई सेवा समिति ने ईश्वर अम्मा दिवस पर ईएसआई अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं को जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हो, इसके लिए मार्गदर्शन किया गया। महिलाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि वे स्वस्थ संतान को जन्म दे सकें। इस मौके पर चिकित्सक सविता अग्रवाल ने बताया कि भगवान साई की माता ईश्वरी अम्मा अपने जीवन में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित रहती थी और उन्होंने महिलाओं की सेवा में अपना जीवन गुजार दिया, इसलिए उन्हें के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रवाल ने बताया कि ईश्वर अम्मा दिवस पर साई सेवा समिति को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है और जहां एक ओर उन्हें निशुल्क प्रोटीन पाउडर दिया गया, वहीं उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए वेद मंत्रों का ज्ञान भी दिया गया ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के कान तक वेद मंत्र पहुंचे और उसमें सकारात्मक भाव उत्पन्न हो।
इतने ही संस्कार दें और हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से हमारे बच्चे हैं वो अच्छे कल्चर में पैदा हों और वो अच्छे न्यूट्रिशन लें। जैसे जैसे हमारा यहाँ पर चेकअप हो रहा है वहाँ इस चेकअप के बाद हम इनको एक प्रोटीन पाउडर भी देंगे। प्रोटीन पाउडर एक हमारी तरफ से एक प्रयास है कि इसकी इम्पोर्टेंस इनको पता लगे कि कितना ज़रूरी है ये प्रोटीन्स अपने शरीर के लिए भी और बच्चों के लिए भी।